भारत को कोरोना के कहर से बचाने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन किया गया। कोरोना बिहार में लगातार तेजी से पैर पसार रहा है। इसको लेकर पूरे देश समेत बिहार में सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है, लेकिन पटना में लॉकडाउन के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला सामने आया सीसीटीवी फुटेज से, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों की भीड़ ने युवक को धक्के मारकर पुलिस की जिप्सी में कुछ पुलिस वाले बिठाते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि इस सीसीटीवी तस्वीरों की सत्यता की पुष्टि साधना प्लस नहीं करती, लेकिन जानकारी के मुताबिक जक्कनपुर थाना क्षेत्र के थानेदार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। एक ट्रैफिक हवलदार ने थानेदार पर सरेआम रोड पर पीटने का आरोप लगाया। ट्रैफिक पुलिस वाले का आरोप है कि वो अपनी मां के लिए दवा लाने निकला था। उस दौरान जक्कनपुर थानेदार ने अपने थाने के पुलिस वालों के साथ बीच सड़क उस ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर थाने ले आई। बहरहाल ट्रैफिक पुलिसकर्मी अजय कुमार ने बताया कि वो अपनी बीमार माँ के लिए दवा लाने जा रहा था, तभी ये घटना हुआ। बावजूद इसके लाख कहने पर भी वो माँ के लिए दवा लाने जा रहा है, वो भी इसी विभाग से संबंधित कर्मी है। किसी ने एक न सुनी और दे दनादन ऑन रोड ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी की गुस्ताखी की सजा दे दी। 31 तारीख लगभग 7 बजे के करीब श्रीमान हम अपनी माँ का दवा बीपी का लेने के लिए गए थे। अपने डेरे से महज जो है 15 से 20 कदम की दूरी पर गए हुए थे, वहाँ दवा नहीं मिली, हम रिटर्न आ रहे थे। उस क्रम में जो है थाना अध्यक्ष महोदय जो है आ रहे थे, उसी क्रम में मुझे कौन थाना अध्यक्ष जक्कनपुर के थाना अध्यक्ष वर्मा जी हैं, उनका पूरा नाम हम बताने में असमर्थ हैं, इसलिए कि वो लोग कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम बताए कि स्टाफ हैं, जैसे स्टाफ बताए एक डंडा जो है बाएं साइड में मारा लोग, एक डंडा फिर दाहिने साइड में, फिर जो है मेरे पीठ पे पीछे मारा लोग, यहाँ पे देखिए मेरा पूरा ब्लड जो है भरा हुआ है, शॉर्ट मेरा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोग अब हर तरीके से पूरा व्यवहार किया गया है, मेरे साथ ही देख सकते हैं। हम अपने बड़ी पुलिस पदाधिकारी को बताने का प्रयास किया, उस क्रम में जो है मेरा मोबाइल छीन करके स्विच ऑफ कर दिया गया, एक बोरा के जैसे जो है लाद करके मुझे लेकर के थाने में गए। जबरन जो है ना कि मेरा ट्रीटमेंट करा करके, बल्कि एक दवा दुकान पर ले जा करके बेटा जिनसे सिर्फ सेवलॉन और बेटा जिनसे ढो करके और बंडेज बांध करके 2 घंटे से ऊपर मुझे जो है थाने के अंदर रखा गया। पानी के लिए जब मंगलवार, जबकि मैं कंटिन्यू फास्टिंग रहता हूँ श्रीमान, 3 बार जो है पानी के लिए बोले, तभी भी जो ओडी पदाधिकारी से एक बार भी मेरी बात को नहीं सुने। काफ़ी जब लास्ट में और जो है सहकर्मी आए उसी थाने के, उनसे बोले कि मुझे पानी की आवश्यकता है, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊँगा, उस क्रम में तब मुझे पानी दिया गया। और उसके अलावा वहाँ पे धमकाया गया कि अगर आप PI बाउंड नहीं लिखते हैं तो 153, 188 और 353 का मामला, और इसके अलावा नहीं, अगर इससे भी नहीं मानिएगा तो आप पर आर्म एक्ट और जो शराबबंदी का जो एक्ट है आपके ऊपर लागू करके आपको जेल भेज देंगे हम, यहाँ से आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ये हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, इस न्यायप्रिय देश में जो न्याय की गुहार जो है आम पब्लिक पुलिस के पास लगाती है, क्या इस व्यवस्था के तहत आम पब्लिक को न्याय मिल सकता है क्या, जब पुलिस वाले हैं पुलिस वाले से प्रताड़ित हो रहे हैं, अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। जो कि प्रिकेशन मेरा आप देख सकते हैं सर, मेरे सर में अभी भी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, काफ़ी मेरे सर में दर्द है और मेरे सीने में भी दर्द है। अभी मेरा देख लीजिए, यहाँ डॉक्टर का रेफर किया हुआ पुर्जा है PMCH के लिए। अभी इतने जो है आपको CT स्कैन बहुत सारे चीज़ कराने के लिए जो है बोला गया है, यहाँ तक कि SHO महोदय के द्वारा जिस हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में हम इलाज करा रहे थे, उस हॉस्पिटल वाले को प्रभावित किया गया है। उसका मेरे पास ऑडियो क्लिप है, जब हम वहाँ से बोले कि आप अपने असर से एक इंजरी रिपोर्ट बना दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बाप रे बाप, मेरे से नहीं बनवाइए, उन्हीं के थाना क्षेत्र में है। हम कहेंगे सर उस थाना क्षेत्र में इसलिए डर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम अपने ट्रैफिक SP महोदय के द्वारा बात किए हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बना सकते हैं। हमारे DSP महोदय के द्वारा भेजा गया था, उनके समकक्ष पदाधिकारी आए हुए थे, 7 टाके पड़े हैं सर, उनके सामने जो है दवा ववा लिया गया। अब आपने कहाँ गुहार? अब सर हम ट्रैफिक SP महोदय के पास जो है आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए अभी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुए, और सीनियर SP के पास मिलेंगे, DIG साहब के पास मिलेंगे, IG साहब। आपके साथ गलत हुआ है? गलत इतना हुआ कि जिसकी मैं कल्पना भी भविष्य में नहीं कर सकता था कि शायद पुलिस वाले ही पुलिस वाले के साथ ऐसा करते हों। अपना परिचय बता दीजिए। जी मैं अजय कुमार हूँ। कहाँ पोस्टेड? अभी पोस्टेड सर ट्रैफिक में है, अभी पदस्थापित काठी फैक्ट्री में है वर्तमान में, और मैं सर
वहाँ रहता हूँ। जैसा ईट दिखाई सटवा के सटवा है जो मेरा भीगा हुआ है सर, जो काला वाला शॉर्ट पहने शॉर्ट पहन के रिटर नहीं, मेरा फोन से मेरा भीगा हुआ है। अरे ऑडियो आ रहा है मनीष, एक मिनट हल्का हल्का तो। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।